2006 में सोनी कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको भी मजबूर कर देगा ये सोचने में कि गलती ना होने के बाद भी इस कंपनी ने लाखों लोगों से गालियां क्यों खाई। हुआ ये कि साल 2006 में सोनी कंपनी ने अपना ये वाला व्हाइट प्लेस्टेशन पोर्टेबल निकाला और कहा कि जो पहले वाले ब्लैक पीएसपी डिवाइसेस थे ना उसके कंपैरेटिवली ये व्हाइट वाले कहीं ज्यादा अच्छे होंगे, एडिशनल फीचर्स के साथ आएंगे, डिस्प्ले स्क्रीन ड्यूरेबल होगी। सब मिला के वो यही कहना चाहते थे कि इस बार जो व्हाइट वाला पीएसपी लॉन्च होगा वो ब्लैक वाले से हर चीज में बेटर होगा। यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इस ब्रांड ने ये सब इस पोस्टर के थ्रू बताया जिसमें एक व्हाइट वुमन ने ब्लैक वुमन का मुंह पकड़ रखा है और क्लियरली शो हो रहा है कि व्हाइट वुमन डोमिनेट कर रही है ब्लैक वुमन को। सोनी कंपनी बिल्कुल रेसिस्ट नहीं होना चाहती थी, लेकिन लोगों को जैसा दिखा उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। फेसबुक पे #boycottsony डाल के सब पोस्ट करने लग गए कि इतनी रेप्यूटेड ब्रांड की थिंकिंग इतनी नीच कैसे हो सकती है। एक तरफ कंट्रीज डेवलप कर रही है और दूसरी तरफ जिनके पास करोड़ों कस्टमर्स है उनको ये क्या सिखाना चाहती है कि ब्लैक पीपल की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और दोस्तों वो व्हाइट पीएसपी जो सच में बेटर था ब्लैक वाले से, इस रेसिस्ट पोस्टर की वजह से वो उस साल उतनी कमाई नहीं कर पाया।